साथियों नमस्कार। साथियों हम आज दोपहर गिरफ्तार कर लिए थे जिला मेरठ में और हम चार लोग थे, तो अभी हमें थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले रिहा किया गया है और आप लोग सभी के हम बहुत धन्यवादी हैं जो आप सभी जगह जाम लगाए बैठे हो और सब एमएलओ का आपने घेराव किया है। आप सब के बहुत आभारी हैं और इस आंदोलन को हमने इसी तरह एकजुटता से चलाना है। तो अभी हमारी बेनती है कि अभी सारे सभी जगह से जाम आप खोल दें और 6 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे हरियाणा का के सभी भाई यहाँ पे हम काफिला लेके आएंगे, उन परिवारों को मिलेंगे जिनके जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो वहाँ पे हम आएंगे, सारे हरियाणा के भाई काफिले में आएंगे। तो परसों को 6 तारीख को सुबह 6 बजे जो कुंडली बॉर्डर पे केएमपी के नीचे हमने वहाँ पे इकट्ठे होना और वहाँ से सारे हम जथा बना के आएंगे। तो सारे भाइयों से एक बार फिर अनुरोध है कि आप जो है वो 6 तारीख को सुबह 6 बजे कुंडली बॉर्डर पे पहुँचे, हमें जो शोक जताने के लिए आना है। और एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अब आप सभी जाम खोल दें, आपके अति आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों हम आज दोपहर गिरफ्तार कर लिए थे जिला मेरठ में और हम चार लोग थे, तो अभी हमें थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले रिहा किया गया है और आप लोग सभी के हम बहुत धन्यवादी हैं जो आप सभी जगह जाम लगाए बैठे हो और सब एमएलओ का आपने घेराव किया है। आप सब के बहुत आभारी हैं और इस आंदोलन को हमने इसी तरह एकजुटता से चलाना है। तो अभी हमारी बेनती है कि अभी सारे सभी जगह से जाम आप खोल दें और 6 तारीख को सुबह 6 बजे पूरे हरियाणा का के सभी भाई यहाँ पे हम काफिला लेके आएंगे, उन परिवारों को मिलेंगे जिनके जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो वहाँ पे हम आएंगे, सारे हरियाणा के भाई काफिले में आएंगे। तो परसों को 6 तारीख को सुबह 6 बजे जो कुंडली बॉर्डर पे केएमपी के नीचे हमने वहाँ पे इकट्ठे होना और वहाँ से सारे हम जथा बना के आएंगे। तो सारे भाइयों से एक बार फिर अनुरोध है कि आप जो है वो 6 तारीख को सुबह 6 बजे कुंडली बॉर्डर पे पहुँचे, हमें जो शोक जताने के लिए आना है। और एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अब आप सभी जाम खोल दें, आपके अति आभारी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।